वेलकम बच्चों, चलो शुरू करने से लेकिन पहले बच्चे देखो, अभी मैं 10th क्लास से कुछ दिन ब्रेक लेने वाला हूँ। 11th क्लास को पढ़ाना भी ज़रूरी है, बेचारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं। तो अगला चैप्टर मैथ से हो या फिर साइंस का, कई बच्चों का मन कर रहा होगा, मेरे को कमेंट में बता देना मैथ्स का कौन सा चैप्टर या फिर साइंस का कौन सा चैप्टर तुम्हें पढ़ना है। रिफ्लेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी, जो भी हो, मन में मन की बात नीचे बता दो। शुरू करते हैं भैया आज के क्वेश्चन से। और बोलोगे सर क्वेश्चन भी लिखा ढंग से, चलो क्वेश्चन लिखने से पहले मैं बता देता हूँ, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन, मतलब कि ऐसे क्वेश्चन जिनको करने में मज़ा आए और एग्ज़ाम में आने के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। शुरू करते हैं, तो लिखता हूँ मैं धीरे धीरे। हाँ जी, लिख लिया मैंने क्वेश्चन। चलो सर अब शुरू कर दो। देखो क्वेश्चन पढ़ तुम अपने आप भी सकते हो, पढ़ लिया पॉज करके पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बच्चे मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। एक चीज़ याद रखना, जब भी मैं बात करूँ ना, नो सॉल्यूशन, कांस्टेंट की वैल्यू कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर सर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये 6 इधर इधर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि देखो नो सॉल्यूशन में तुम्हें एक चीज़ याद होगी, अरे सर ये तो याद है, याद आया, इसका मतलब सर 3/6 इज इक्वल टू माइनस का 4k/2, और ये तो 1/2 है, तो आप कह सकते हो माइनस का 4। ये लो जी, और बताओ माइनस का 2k = 1/2। अब बच्चे देखो ये तो कोई भी बता देगा सर ये नीचे जाएगा, k = -1/4। आसानी तो था, पेपर में आ जाते हैं ऐसे MCQ टाइप में। चलो सर क्या बात है, अगला करवा दो। के स्क्वायर में बच्चे देखो डायरेक्ट लिखने वाला हूँ, by 1 = 3k/1। सिंपल, इसका मतलब आप बोल सकते हो सर k² = 3k, ये प्लस उधर जाके माइनस, k² - 3k = 0, के लिए कॉमन, k-3 = 0, और k = देखो डिग्री 2 है तो आंसर भी 2 आएंगे। पॉलिनोमियल नहीं पता तो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, अपने ही चैनल पे मिलेगा तुम्हारे। 0 और 3 माइनस, किसी को नहीं समझ में आया तो वैसे आ गया होगा, ये माइनस उधर जाएगा तो k = 3। और बच्चे देखो ये वाला फैक्टर तो 0 ही बनेगा, 0 / इतना तो खैर तुम्हें पता है। और अभी रुक जाओ, क्लास ख़त्म नहीं हुई है, क्वेश्चन लिखने वाला हूँ मैं। थोड़ा सा अजीब लग रहा है तुम्हें, कोई बात नहीं, अजीब नहीं लगेगा। देखो बच्चे ये तुम्हारा ना एक्सरसाइज 3.6 पर बेस्ड क्वेश्चन है, याद आया, अरे सर आपने भी करवाया ये टॉपिक। ए सबको पता है सर 2/x, इसका मतलब होता है 2 × 1/x, ये तो ए, तो क्यों ना हम ही करवाएं इसको। सिंपल सी बात है, देखो बच्चे आप ना ऐसे सोच के देखो, कॉमन सेंस वाली बात ये है, देखो अरे सिंपल है, a + b/3 हो तो तुम क्या करोगे, a/3 + b/3, इतना सबको पता ही होता है। अगर सब, और बच्चे जब भी तुम्हें एक्स वाई कुछ भी डिवाइड में दिखे तो समझ जाया करो 3.6 बेस्ड क्वेश्चन आने वाला है, 99% केसेस में ऐसा होता है। और ये सर कट गया, ये सर कट गया, 1/y + 1/x = 2। सिमिलरली अब देखो यहाँ पे ना आप ये लिख पाओगे 1/y - 1/x = 6, वैसे ही सर लेट 1/y = a, 1/x = b, तो ये वाली इक्वेशन हो जाएगी a + b = 2, ये वाली इक्वेशन हो जाएगी a - b = 6। मैंने दोनों इक्वेशन को कर दिया प्लस, ये कट गया a + a 2a, 6 और 2 8, बोलो सर a = 4, और ये तो मेरा क्या था, 1/y था, इसका मतलब उल्टा कर दो, ये ऊपर ये नीचे, टू मच फन, डेविल के पीछे होता है ना टू मच फन, ऐसे कुछ करके, तो y = 1/4। सिमिलरली x कैसे निकालोगे, अरे सर इसी में घुसेड़ दो, a + b 2 था ना, तो b हो जाएगा 2 - a, b = 2 - a, 2 ये 9 जैसा फील हो रहा है, a कितना है 4 है, 2 - 4 - 2, और याद करो सर ये जो माइनस का 2 है, ये b की वैल्यू है ना, ये तो 1/x थी, इसका मतलब x = -1/2। वेरी वेरी सिंपल, डन 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 डन। ए एक मिनट रुक रहो, पढ़ते रहो और देश का नाम रोशन करते रहो।